गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपके पास है ये पौधा? नहीं है तो आप इसे नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस पौधे का नाम है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। ये काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। इसे रखना घर में बहुत आसान है। इसमें ना तो कोई फंगस लगता है और ना ही इसमें कोई कीड़े लगते हैं। यह एक वाइन है। गर्मियों में ये बहुत फ्लावरिंग करता है, जो साल भर फूल देता रहता है। यदि आप इसे अपने घर में एक बार ले आएंगे तो ये सालों साल आपके पास ही रहेगा और बराबर ये फ्लावरिंग भी आपको देता रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा आप इसे रखना चाहते हैं, इसकी आप बेल रखना चाहते हैं तो ये बेल की तरह भी बढ़ेगा, या आप इसे हैंगिंग बास्केट में लटकाना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग देगा, और आप इसे झाड़ीनुमा भी बना सकते हैं। ये आपको जैसे भी इसको बनाना है उसी अनुसार ये भी बन जाएगा। इसके फूल तो देखिए, ये दो कलर में खिलता है और ये गुच्छों में खिलते हैं। इसके फूल गुच्छों में खिलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अभी मेरे यहाँ कल काफ़ी टेम्परेचर था तो कुछ इसमें मुरझा गए हैं, देखिए। यह पौधा ऐसा है कि आप इसे सालों साल रख सकते हैं, बस आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी होगी तो ये आपके पास सालों साल रहेगा और इसमें बराबर फूल भी खिलते रहेंगे। इस पौधे को जब भी आप किसी कंटेनर में या ग्रो बैग में लगाएं तो आप इसे 10 इंच या 12 इंच के गमले में ही लगाएं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किस लगा हुआ है। ये है मेरा पॉट, देखिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसी में मेरा ये लगा हुआ है और ये बराबर फ्लावरिंग भी कर रहा है। इसकी सॉइल को आप पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बनी बनाई, या फिर आप खुद बना सकते हैं अपने थोड़ा सा किचन वेस्ट लेकर, और कुछ आपके पास ड्राई लीव्स हो, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिलाकर, या आपके पास किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो तो उसको मिलाकर आप अपनी सॉइल तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को सनलाइट बहुत पसंद है, इसे आप सन में ही रखें। जहाँ पर थोड़ी सी सेमी सेड एरिया हो वहाँ पर इसे रख सकते हैं। इसे वाटर बहुत पसंद है, आप इसे डेली वाटर दे सकते हैं, पर इसकी मिट्टी को आपको वेल ड्रेन रखना होगा। इसकी सॉइल आपको मॉइस्ट रखनी होगी। ये देखिए, मेरी मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, इसमें काफ़ी मॉइस्चर है और ये काफ़ी गीली भी है। इसे फर्टिलाइज़र वो पसंद है जिसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है। आप इसको फर्टिलाइज़र में काओ डंक भी दे सकते हैं, या आपके पास किचन वेस्ट की बनी हुई खाद हो तो आप वो भी इसमें दे सकते हैं। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग्स भी इसकी आसानी से लग जाती हैं। इसकी कटिंग मैंने अभी लगाई नहीं है, मुझे लगानी है। मैं लगा कर देखूँगी किस तरह से इसकी कटिंग बढ़ती है, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें मैंडीविला भी, मेरे फ्लावर कितने अच्छे से खिल रहे हैं, मैंडीविला के दोनों फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। ये दोनों ही बेल मेरी लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रही हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहें। लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। ओके बाय।